चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन रीड करो. टू रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द ग्राउंड आर कनेक्टेड टू अ मिली वोल्ट. व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द मिली वोल्ट मीटर. ठीक है. व्हेन अ ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द ट्रैक गिवेन दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस एंड द रेल्स आर सेपरेटेड 1 मीटर. जैसे एक रॉड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एरोप्लेन वाला भी डिस्कस किया था. जब एक रॉड जिसकी लेंथ एल है और वो वी वेलोसिटी से किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन मान लेते हैं इनवर्ड है थोड़ी देर के लिए, तो ईएमएफ की वैल्यू होती है बी एल वी. ठीक है. अब जब कोई रेलवे ट्रैक जो कि जिसकी लेंथ जो है वो कितनी दी हुई है, 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है. रेल की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में ये भी है. वर्टिकल कंपोनेंट जो दिया हुआ है क्योंकि वही कट करेगा, ठीक है, वो कितना है 0.2 × 10⁻⁴ है. तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा, तो ये मिस इज इक्वल टू बी इंटू वर्टिकल कंपोनेंट एल इंटू वी. तो बी वी की वैल्यू कितनी है, 0.2 × 10⁻⁴ इंटू एल की वैल्यू कितनी होगी, एल वो है 1 मीटर. वी कितना है, वी आपका 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो अगर ये वैल्यू पुट की जाएगी तो कितनी आएगी, यह आएगा 0.4 × 10⁻³. ये होगा वोल्ट में. ठीक है. मिली वोल्ट कितना होगा, 0.4 मिली वोल्ट ईएमएफ. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.